एसटीएफ गुरुग्राम ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर तीन शातिर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने बीती 28 जून की देर शाम 27 वर्षीय अर्जुन गुर्जर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या की और मौके से फरार हो गए थे। वहीं इस मामले में एसटीएफ डीएसपी प्रीतपाल सिंह की माने तो एसटीएफ ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में सोहना निमोट के रहने वाले विक्रम दलबीर और नरेंद्र को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक को भी बरामद किया है। बहरहाल मामले की तफ्तीश जारी है। दिनांक 28 जून 2024 को एचबीआर चौक पे एक सेक्टर 65 के इलाके में एक युवक की जूस की दुकान पे और गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और जो हत्यारे थे वो एक मोटरसाइकिल पे सवार होके आए थे और उन्होंने ब्लिंकिट की और जोमेटो की जैकेट पहन रखी थी, और इसके संबंध में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव पुलिस द्वारा की गई, लेकिन जब उसमें कोई नहीं प्रोग्रेस हो पाई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब 7 अक्टूबर को एसटीएफ गुड़गांव को मार हुई और इस संबंध में 20,000 रुपये एसीपी साहब की तरफ से इनाम की घोषणा की गई थी जो इस केस में सूचना देगा, और इसी तरह से 1,00,000 रुपये की डीजीपी साहब की तरफ से घोषणा की गई थी कि जो भी इसमें सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो भरसक प्रयास के बाद हमारी एसटीएफ यूनिट ने उसमें काम करते हुए, और इसमें जो एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, और उस पर सारे हमने सीसीटीवी भी सर्च किए, उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी की गई, उसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन उसमें एक्यूज्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब हमारे एसटीएफ यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए विकास हमारे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर और विवेक ने बड़ी मेहनत से काम किया, और उसमें उस मेहनत करते हुए इंफॉर्मेशन नेटवर्क को मजबूत किया, और उसी का नतीजा हुआ कि हमें इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान को एक सूचना मिली कि इसमें ये तीन लोग शामिल हैं, अगर आप इनसे पूछताछ करेंगे तो इस मुकदमे का खुलासा हो जाएगा। इस सूचना पे हमने उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई और इस पूरी घटना का उन्होंने खुलासा किया। तो इसमें जो मेन अक्यूज्ड है एक विक्रम नाम का ये लड़का है, ये निमोट गांव का रहने वाला है, और ये पहले भी गांव में ही एक मर्डर इसने किया था 2019 में। आपको बता दें कि एसटीएफ गुरुग्राम ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर तीन शातिर हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने बीती 28 जून की देर शाम 27 वर्षीय अर्जुन गुर्जर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या की और मौके से फरार हो गए थे। पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।